पुत्र, एक चिट्ठी मेरे लिए लिखेगा, मैं चश्मा लाना भूल गया। जरूर अंकल, ये भी कोई पूछने की बात है। मेरे प्यारे पुत्र, मैं नहीं पूछूंगा तुझसे कि तू कैसा है, वहां सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक तो होगा ही ना, तू जो है वहां इतने सालों से, 25 साल हो गए अब तो, क्या बात है। मैंने कभी तुमसे ये कहा नहीं, सच बताऊं तो कभी मौका ही नहीं लगा, पर आज कहने का दिल कर रहा है। मुझे तुम पे बहुत नाज है, एक्चुअली घमंड है। हम नसीब वाले हैं कि हमें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। अपने बारे में कभी ना सोच के दिन रात सिर्फ हमारा ख्याल रखा, हर मुश्किलों का सामना करना बड़ी बात है। ये तो कोई शर्मा जी का लौंडा भी नहीं कर पाएगा। और क्या, तेरी तारीफें बहुत है और इस पेन में इंक थोड़ी कम। बस मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तेरी सेहत बनी रहे, दिल खुश रहे और तेरा जोश हर दम हाई रहे। जीते रहो पुत्र, प्यार तेरा प्यों। ओ, तो आपका लड़का भी कारगिल में पोस्टेड है? नहीं भी और हाँ भी। मतलब? मतलब खून से बेटा नहीं है, पर कारगिल पे पोस्टेड हर एक जवान देश का बेटा ही तो है। पूरे देश ने हमारे इन बेटों को खत लिखे हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा एक खत मैं भी लिख दूं।